और ऐसा आदमी जब किसी को प्लान दिखाएगा तो लोग उल्टे प्लान उसको दिखा देते हैं। हमारे देश में लोग मना नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे, मना के साथ साथ दो तीन सलाह देते हैं, और सलाह इतना तीखा होता है मुश्किल से कोई बर्दाश्त कर पाता है, और इतना दर्द देता है कि कई लोग ईगो के मारे बिजनेस छोड़ देते हैं और कई लोग ईगो के ही कारण बिजनेस कर जाते हैं। दोनों बात है, यह भी एक ईगो है कि कैसे उसने मुझे बोल दिया, यह बिजनेस मेरे स्तर का नहीं है, यह ईगो है, और यह भी ईगो है, तूने बोल दिया मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, यह भी ईगो ही है। हमको लोगों ने खूब बोलना शुरू किया, गांव छोड़ के भाग गए, भागो, जागो नहीं भागो इनसे, और भाग गए गोरखपुर। वहां एक प्राइवेट एक रूम लिए चाचा के, वहीं रहे, न ड्रीम न लिस्ट कुछ नहीं था अपने पास, न अपलाइन न डाउनलाइन न गाड़ी न लैपटॉप न इतना प्रोडक्ट न ऐसा प्लान था, क्या कुछ नहीं, निकल पड़े हैं कुछ करके दिखाना है, प्लान दिखाया, एक साल तक प्लान दिखाया, कोई जुड़ा नहीं। इस तरीके से हमने काम किया, एक साल नहीं दूसरे साल तीसरे साल, तीसरे साल तक कोई खास मैंने उपलब्धि हासिल नहीं किया, चौथे साल थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस चला, पांचवें साल तक हम डायमंड बन गए, और छठे सातवें आठवें नौवें दसवें आज क्राउन लेवल पे हूं, अभी जल्द ही इस साल क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कोटा खत्म है। मैं इस बिजनेस में आया था किस लिए, सिर्फ पैसे के लिए आया था, क्यों, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि पैसे कमाने को चाहिए ही नहीं था मुझे, इज्जत शोहरत बात की बात है, पहले पेट भरे, क्योंकि अपने हमारी माली हालत मैंने आपको बताया बहुत खराब, बहुत खराब, बाबा जी ने झेला झेल नहीं पाए, पिताजी ने झेला मम्मी झेली, तीसरा हम आए, हम पे भी अटैक कर लिया था उसने, लेकिन हमने संकल्प लिया हुआ था, और 2006 से हमने संकल्प लिया अपने परिवार में कि मेरे जीते जी अब इस परिवार में गरीबी नहीं रह सकती, और नहीं रह सकती, और नहीं रह सकती है, अब नहीं रह सकती है, इसलिए चाहे बंगाल तक गाड़ी चलाना पड़े, चाहे बांग्लादेश तक गाड़ी चलाना पड़े, क्या करना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस समस्या को जड़ से मिटाना है, और जब तक ये नहीं मिटेगा मुझे रुकने और थकने, रुकने और रेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, और जवान होने का और क्या अर्थ होता है, और पुरुषार्थ होने का और क्या अर्थ होता है, और ताकतवर होने का और क्या अर्थ होता है, और लक्ष्य होने का और क्या अर्थ होता है, कोई भी जिंदगी की समस्या उलझी हुई है और जब तक उसे निपटा न ले तब तक रुकने का अधिकार किसने दिया हुआ है, वो किसी प्रकार की समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो,